दिस इज़ अ मॉक टेस्ट जो NTA ने कंडक्ट करवाया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जस्ट पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन उसके पास आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो आप इसको या तो आप साइबर कैफ़े में भी ऑन कर सकते हो, और जो आप अगर फ़ोन में करना चाहो तो फ़ोन में भी कर सकते हो, क्योंकि फ़ोन में वैसे ईजी रहेगा, क्योंकि जिसके दूर हैं तो जिससे साइबर कैफ़ेज़ प्रोवाइड नहीं है किसी सिटीज़ में, तो वहाँ पर ईजी रहेगा। ये भी मैंने फ़ोन से ही किया है, तो आप फ़ोन से देख रहे हो अच्छे से। यहाँ पर सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शन है, चूज द डिफॉल्ट लैंग्वेज। आपको डिफॉल्ट लैंग्वेज मतलब यू कैन चूज एनी वन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश एंड हिंदी। जो इंग्लिश में थोड़ा कंफर्ट है वो इंग्लिश में करें, और जैसे चूज करने के लिए आपको दो ही ऑप्शन है, इंग्लिश एंड हिंदी, तो आप इंग्लिश को करना इंग्लिश को कर लेना एंड हिंदी को करना हिंदी को। देन उसके बाद आपके पास कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, थोड़े बहुत आपको वो पढ़ना है। जनरल इंस्ट्रक्शन जैसे सेम अगर आपके जैसे UGC में आता है, जैसे नॉर्मली अगर आपका पेपर 1 है जैसे 60 मिनट एंड पेपर 2 इज़ 120 मिनट, तो आपको थोड़ा सा इसमें देख लेना कि क्लॉक जो है वो ऑलरेडी सेट है, ऑटोमेटिकली वो सेट की हुई है, एंड द काउंट डाउन टाइमर इज इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन विल डिस्प्ले द रिमेनिंग टाइम अवेलेबल फॉर यू टू कम्प्लीट द एग्जामिनेशन। एंड जो क्वेश्चन प्लेट हैं वो आपको बहुत अलग अलग राइट साइड्स में प्रोवाइड होंगी, और आप अपने जो लैंग्वेज है वो चेंज भी कर सकते हो बिटवीन योर एग्जाम। एंड ये यहाँ पे जो कुछ ऑप्शन है, जैसे कि अगर रेड है तो इट मीन्स यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन। थर्ड है अगर ग्रीन है, ग्रीन आपको शो कर रहा है नॉर्मली एक सर्कल में आपको होगा, तो यू हैव आंसर द क्वेश्चन, एंड ये आपको बताया हुआ अच्छे से। अगर आप इसको सबमिट कर दोगे तो आपका जो टेस्ट है वो फाइनली चला जाएगा, ठीक है? तो आपको वो ध्यान रखना है, सबमिट नहीं करना है। सबमिट आपको जब आपको लगे कि मेरा ख़त्म हो गया है फाइनली, आपको तब सबमिट करना है। उससे पहले क्या करना है, नेक्स्ट, मतलब आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि आप इसको सेव कर सकते हो फॉर रिव्यू एंड सेव। अगर आपको रिव्यू करना है तो सेव फॉर रिव्यू करना, और अगर सेव नॉर्मली करना है तो सेव कर देना। देन आंसरिंग का क्वेश्चंस में आपको 4 डॉट्स होंगे, जैसे हम वहाँ पे OMR शीट में एक डॉट को एक सर्कल को हम फिल करते थे, वैसे यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करना है। तो क्लिक करके और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप क्लियर भी कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा डाउट भी है ना अपने आंसर में, तो आप उसको क्लियर भी कर सकते हो कि अभी ये मेरा फाइनल नहीं है। तो अब आप थोड़ा सा आओगे जब जनरल इंस्ट्रक्शंस, अगर आप फ़ोन में खोलोगे ना, तो मैं आपको साइट दे दूंगी उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप खोल कर देखना। तो वहां पे आपको जब ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप रीड कर लोगे, लास्ट में एक रेड लाइन होगी, प्लीज नॉट ऑल क्वेश्चंस विल अपेयर इन योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, ठीक है? आपको चूज करनी पड़ेगी लैंग्वेज, एंड देन उसके बाद इस बॉक्स को आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है? आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस, ऑल कंप्यूटर हार्डवेयर अलॉटेड टू मी आर इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, ठीक है? देन उसके बाद आपको फाइनली प्रोसीड पे क्लिक करना है आगे अपने टेस्ट को नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए, ठीक है? तो ये आपको करना है, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से उसको ओपन करना और स्टार्ट कर देना टेस्ट को। ये एक टेस्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे टेस्ट ही ओपन होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से, ठीक है? ये ग्रीन और आपका ऑरेंज कलर का होगा, जैसे कैंडिडेट नेम आएगा आपका, अगर आपने लॉगिन किया होगा तो आपका नेम आएगा, सब्जेक्ट नेम आएगा, टेस्ट प्रैक्टिस, रिमेनिंग टाइम ऐसे अवेलेबल होगा 159 आपके पास टाइमिंग होगी, एंड लास्ट में आपके पास ये देखो ऑप्शंस हैं, सेव एंड नेक्स्ट करने का ऑप्शन है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू का है, क्लियर रिस्पॉन्स का है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, एंड फाइनली आपको क्या करना है, सबमिट। इसमें बैक और नेक्स्ट का ऑप्शन भी है, ठीक है? तो अगर आपको, वैसे मैं आपको बोलूंगी कि सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू ही करो, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस करो तो आपको